देखो गाइस, करोड़ों का चंदा चूने पे पानी फिर गया। ये देखो कैसे नहर टूट रही है। ठीक हाँ घूम रहे महाराज, कहाँ छोड़ गए पाटल? बकरी कहाँ चली गई? और कौन है? है ना साथ वाले? बट ठीक है फिर। जय महादेव। हरदा भाई भूलवा। सो जय माता दी और जय महादेव। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है भाई, ये देखो हम अपने कुल देवी के मंदिर में धुनी जलाने आए हैं। तो वही रास्ते में हमारे चाचा मिल गए थे, तो उनके साथ आए यहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई चलो मंदिर चल रहे हैं। तुमने कहा चलो गाइस, पहले लकड़ियों को ना छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ कि जो धुनी आराम से जल जाए। तो चलिए भाई इसके पहले टुकड़े करते हैं। तो गाइस हो चुके हैं भाई लकड़ी के यहाँ पर टुकड़े, देखे कितने छोटे छोटे ना। तो ये धुनी आराम से जल जाएगी अब। तो इन्हें चेतन करने के लिए भी अंदर गए हुए हैं चाचा हमारे। तो जब वो आ जाएंगे तो उनके द्वारा यहाँ पे धुनी चेतन करी भी जाएगी ना, क्योंकि वही अथोराइज हैं। अभी हम भी हैं थोड़ा सा, बट वो अपने हाथ से अपना आप करेंगे ना। तो गाइस दिस इज धुनी है। माचिस है तो सही है जलाने। तो बहुत देर के बाद धुनी जलती हुई धीरे धीरे से। और इधर एक कौन आया है मंदिर में? अच्छा पानी भर रहे। बड़े वाले भी लेकर आऊं या इसी में से हो जाएगा? हाँ ये ऐसा आ जाएगा ना बस। हाँ ये आप डर की ना भयंकर ज्वाला प्रज्वलित हो गई। हेलो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह अपने कुल देवी के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। बताओ यार, नहीं तो वैसे दुनिया कहाँ की कहाँ आवारा गर्दी करने चले जा रही। हम तो तब भी अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो भाई अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो ये देखो जी हमारा पूरा मंदिर। तो ऑफिस के लिए जा रहा था तो माता जी मिल गई हमें रास्ते में। तो बोले कि चलो भाई मंदिर चल रहे हैं। तो हमने कहा चलते हैं भाई, क्या आपत्ति आ रही है? सब चलो 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 चलो। तो ये गुरु भाई का नारायण भोजन हाल है। नमस्कार गुरु भाई। कोई सा भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है भाई साहब। जल चाहिए था महाराज, जल किधर है? अब चलिए गाइस जल चढ़ाने के लिए। जब ये है गाइस कच्चा सैतूत, तो अभी थोड़ा पक जाएगा ना तभी से ऐसे खाएंगे। ये देखो ये सैतूत। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे गांव में भाई साहब। ये देखो बारूद इसी का ही बनता है, जो रेड रेड से बॉल हो रहे ना तो इसी का बारूद बन रहा। सो गाइस अभी हवाएं इतनी चल रही है कि यार जैकेट निकालना पड़ा अचानक से। मतलब ऐसा भी हो जा रहा है यार, मतलब बहुत सर्द हवाएं चल रही, पेड़ पौधे ऐसे हो रखे भयंकर, कमर झुकने को तैयार यार। तो मैंने ऐसा है जी बीमार पड़े, इससे पहले डाल लो सीऊ जैकेट। ब्राउनी आ, ले यहाँ बात सुनेगी, ले आ जा इधर आ, देख यहाँ इधर आ, इधर मैं दूंगा, देख यहाँ आ जा। वहाँ कहाँ जा रही खाने की खुशबू पे तेरी हड्डी? उठाओ उसे, उठा पकड़ हड्डी पकड़। अरे गजब भयंकर, क्या माला पहनाए ले हैं भाई। ना 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 बैठे रहो बैठे रहो। अरे रे रे रे, खड़े होने की क्या हो सकता थी भाई साहब। तुम्हारा नाम तो हमने उसी दिन रख दिया था भोलू। पीछे चल। हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर आ जा, आ उठा ले। तो गाइस खाना वगैरह तो खा लिया यार, बट गाड़ी नहीं आ रही। अब ऑफिस भी जाना है यार, बहुत सारे काम करने हैं। सुबह से बैग भाई सा कंधे में लेकर चल रहा हूँ, मगर गाड़ी आने का नाम नहीं है। और ये खुद की गाड़ी खड़ी है, मगर इसका अलग सीन है, ये नहीं ले जा पाएंगे हम। तो ये हमारे बड़े भाई कंट्रोल करते हैं। गर्मी बहुत हो रही है यार, और हवा चलती है ऐसी कि थोड़ा दिक्कत आ रही है। देखो पेड़ों की हवाएं, देखो भाई साहब कैसे लहरा रहे हैं। गाइस गाड़ी ना मिलने के कारण फिर मूड चेंज हो गया। अब कहीं नहीं जा रहे, अब अपना घर पे रहेंगे। थोड़ा एक बबुआ जी की जरा बिजली ख़राब हो गई पड़ोस के घर में, तो ज़रा देख कर आता हूँ क्या हिसाब किताब है, फिर उसके बाद आके फिर अपना थोड़ा सा सोऊंगा मैं। मौसम भी बहुत सुस्ती वाला हो रहा है यार। क्यों गाइस शाम के बज चुके हैं 5, और अभी थोड़ा सा नींद से खुला तो यार थोड़ी चाय पी लेता हूँ, केक वगैरह है, थोड़ी भूख भी लग रही है, केक ले लिया, थोड़े से समोसे का मसाला है वो है। बात का दिन ऐसे कट गया, देखो पूरी सुस्ती गिरी भयंकर, कहाँ जाएँ क्या करें, बोरियत बहुत थी। तो
तो गाइस बहुत देर के बोरियत काटने के बाद मैं और यादव जी पीछे से जो आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं जंगल घूमने के लिए। तो इन्हें दो चार चीज़ें ज़रा दिखा के लाऊं कि भाई हमारा बचपन कैसा था, कहाँ हम क्या करते थे। तो यादव जी ज़रा एक बार थोड़ा जनता को, ऑडियंस को हेलो राम राम, हेलो राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम कह रहे हैं। तो ये देखो भाई, ये पानी जा रहे हैं हमारे वहाँ के नहरों में, इससे क्या होगा, खेतों में पानी जाएगा ना सिंचाई के लिए। तो यादव जी बोले कि यार थोड़ा सुस्ती सा आ रहा, मैं ना आता, मेरे को भी रहा है, तो अपन लोग जंगल घूमने आ गए। फिर ये सारा सागुन का ही जंगल है, सागुन ही लग रहा है, सागुन है पूरा, देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे ठीक है, इतना वो नहीं है। हम यहाँ से भैंस खाने जाते थे, ऐसे आगे जाएंगे ना मोटर सड़क आ जाएगी एक। खुद बहुत साल बाद आ रहा हूँ इस जगह पे आज, लास्ट टाइम पता नहीं कब आए थे हम भैंस लेकर के, मुझे भी नहीं मालूम, पर उस दिन से आ जा ऐसे में। चलो ये आगे शायद रोड आ गई, नहीं आगे, हाँ हाँ पानी की रोड, ये हरिद्वार चेला डैम को भी जाती है सीधे यहाँ से ना। अब तो कहाँ, अब तो ऐसे टूट फूट हो रखी है पूरी रोड है, जंगली जानवर भी आते हैं, जंगली जानवर, अब जंगल है तो जानवर तो आएगा ही यार, होगा कहीं ना कहीं। मतलब ये लगाओ यादव जी, जंगल में ना हमने मतलब बहुत लकड़ियाँ सार रखी ना, जैसे छुट्टियां रहती थी कभी बचपन में पिताजी के साथ स्कूल से सीधे फिर जंगल जाना हुआ, तो लकड़ी वगैरह लेकर के बहुत सारे जानवर देखते थे हम यहाँ। यहाँ से अच्छा है, यहाँ तो जीते जी स्वर्ग है सारा पूरा, इतनी हरी हवाएं चल रही हैं, मस्त मौसम है। जो यहाँ एक बार आ जाता फिर वापस जाता नहीं है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से जाते देवभूमि है, ये है देवताओं की भूमि, यही है, सारे दुनिया भर के सारे भगवान यहीं आके बसे थे उत्तराखंड में ही। कोई बद्रीनाथ चलेगा, कोई केदारनाथ चलेगा, कोई गंगोत्री यमुनोत्री, बस तुंगनाथ तक पहुंच गए भाई साहब। और आदमी ने हर जगह ढूंढ दिया उन्हें, भगवान गए अपनी तपस्या करने, उन्होंने कहा भाई प्रभु वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग दिस प्लेस, वत्स तपस्या कर रहे हैं, ये है सीन। यह है यादव जी वो जगह, देखो यहाँ हम नहाते थे कभी, अब तो पूरा वो हो गया, भर गया ना ये पानी से, तो इधर से वो वहाँ तक पूरा ताश के लेवल तक पानी रहता था इसमें, जितना जितना प्लस्तर हो रखा ना, तो इसमें नहाते थे हम डुबकी लगा के। फिर ये नहर अभी तो नई बनकर आ रही है ना ऊपर से, हाँ तो ये बहुत फलदार पेड़ है, ये बरसात में होते हैं उसमें फल ना, अभी तो आजकल तो सब सूखा है, जावड़ वो सावन आ गया, पतझड़ आएगा, पूरे जंगल के पतझड़ झड़ गए भाई साहब। तो ये तो क्या ऐसे भी नहर है, पेड़ ना जो सामने ये है उसका कुसुम का, ये ना ना उधर वाला हाँ वो वाला, तो उसमें जाके भाई साहब ऊपर तक हम तोड़ तोड़ के बहुत खाए हैं। तो आ जाते थे गाइस कभी कभी यहाँ ना, बहुत मतलब इन्जॉय लेने अपने टाइम पे, अब तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लगभग लगभग मतलब जो मज़े हमने ले लिए ना यादव जी, वो आने वाली जनरेशन नहीं ले सकती इस जंगल में। ये जो फूल है ना गाइस, तो ये मतलब बहुत दवाई के तौर पर काम करता है यहाँ के लिए। तो देखो भाई कैसा आयुर्वेदिक फूल है ना, तो मतलब इसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे मतलब जो बैक पेन होता है जिनके यादव जी, तो इसके लिए बहुत कारगर दवाई है ये। ये देखो गाइस पूरी नहर टूट गई भाई, ये देखो भाई, मतलब अभी कुछ दिन पहले ये नहर बनी थी सरकार के द्वारा, करोड़ों रुपया यहाँ खर्च करा गया, पर अब देखो ना वो तो अच्छा हुआ कि हम आ गए घूमने, ना तो ये बात अभी तक शायद किसी को नहीं मालूम कि भाई ये नहर टूट गई दोबारा। अब कौन वो ठेकेदार था, क्या इसमें मसाला लगाया हुआ था, मेरे को तो उम्मीद नहीं लग रही भाई कि ये पता नहीं कब चलेगी। इससे जो पुरानी थी वो अंग्रेजों के ज़माने की थी भाई, अभी तक चलती भी आ रही, और ये देखो टूट गया सारा, गजब है तेरे ठेकेदार, तेरे को है नमन। देखो पूरा ये यहाँ से इतना इतना पोर्शन ना गाइस सारा टूट गया, तो वो नहीं आने वाला यादव जी, देख रहे हो, बल्कि अभी घर के आगे बन रही है पूरी नई। ये इंडिया है ना, यहाँ तो भ्रष्टाचार तो बोलो तो डीएनए में ही बैंकर भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, चाहे वो A to Z कोई भी हो, मैं हूँ अदरवाइज नेता वगैरह पर्सन, क्यों हाँ देख लो, अभी सारा नहर का उद्घाटन नहीं हो रहा, अभी बताओ बनने से पहले ही टूट गई, करोड़ों का नुकसान भाई साहब, और ये पैसा जाएगा हम लोगों की जेब से। यहाँ पे धूप भी मस्त चल रही, देख रहे एक वो भी तोड़ रखा हाथी ने, ये सामने वाला दिख रहा, तो ये हाथी का ही एरिया है शायद, इतनी है लंगूर है सामने, लंगूर है तो क्या हो गया, अरे हमें देख के सब गायब है ये, अभी देखो तुम ओ, मच गई भागदड़ उनमें, अरे हम उनसे भी बड़े वाले हैं, वो निकल के भागना पड़े, न न न न न न ये ना कहना क्या कुछ नहीं, फिर ये देखो
कैसे नहर टूट रही है ठीक, ये ठेकेदार से बात करनी पड़ेगी भाई कि मतलब तेरा टेंडर जो है खतरे में है। और ये यहाँ से ना ये देखो ये जो गुफा है ना ये अंडरग्राउंड गुफा है, अब यहाँ से पानी कहाँ से आएगा क्या आएगा कुछ नहीं मालूम। मैंने एक दिन यहाँ पर आके ना 5 पेड़ लगाए थे आम के, और ये जगह पे ना लाल मिट्टी का सोर्स ज़्यादा है, जो घर पे लिपा पुती के लिए नहीं आती लाल मिट्टी, तो ये वहीं पर ही यही नहीं मिलती वो लाल मिट्टी। हम लोग यहाँ से निकालते हैं इसे इसके नीचे से, यहाँ से खोद खोद के अभी गहरा गहरा सुरंग है इधर, एक जगह यहाँ पे दिख रही है देखो मजा आ रहा। तुम तो फोटो खींच रहे हो यहाँ छोटे बंदर, मैंने नहीं देखा इतना इतना छोटा बंदर नहीं देखा ना। हाँ बहुत है यार यहाँ छोटे छोटे बंदर बहुत है, हाँ आया नहीं थी। पीछे आ जाओ, अब नीचे को उतरेंगे ना रोड पे, मुंह पर चुम्मा दे दिया लकड़ी ने। तो देखो गाइस ऐसे होता ना पड़ता जंगल में ना, मतलब अगर डंडी चटा खा कर लग गई ना मुंह पे तो होंठे सुजा देगी वो। इस जगह पर ना कभी मतलब जब हम छोटे थे ना तो हमारे मम्मी पापा जब जंगल से घास वगैरह लकड़ी लेकर आते थे तो हम यहाँ पर आके उनका इंतजार करते थे इस जगह पर ना, कि अपनी साइकिल वगैरह यहीं पर ही खड़ी करके गाइस तो यहीं पर हम बैठे रहते थे कि कब आएंगे। वो क्रेज़ था भाई कि एक्साइटमेंट कि भाई वो अगला बंदा कुछ लेकर आ रहा है उसे हम भी लेके जाएंगे, तो वाली बात थी। जानवर है कभी भी आ जाएगा, वो बता के थोड़ी ना आएगा कि मैं आ रहा हूँ, जंगल है उसे वो मालिक है, शेर आए बाघ आए कभी भी। पर इस समय यहाँ पे जो नहीं है दूसरी रेंज में रहते हूँ। होली है, होली 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 के लिए बकरे भाई साहब शानदार बकरे एकदम बढ़िया रंग बिरंगे ताज़ा बकरे। आ जाओ आ जा मैं ना। या चलो वो बैंगरे काला वाला बड़ा डेंजर है यार, चलो बकरी बकरी बकरी। हेलो सर कैसा महसूस हो रहा आपको जंगल से आके? वो बैंगरा तो पूरा स्क्वाड जा रहा है यार। चलो चलो चल रहे रे। चलो वो बैंगरा बकरे ही बकरे चारों तरफ कल ही निकाल देंगे। जंगल में टाइगर की खाल पहन के बैठ जानी है यानी जैसे आया भयंकर खींच लिया इधर को। चलो तो गाइस आज का व्लॉग कैसा लगा लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो कमेंट करो जरूर यार, तभी तो पता चलेगा ना कि भाई का क्या इम्प्रूवमेंट है। तो मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में कल सुबह के साथ, देखते हैं भाई क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय।